छाबा तहसील के थाना कोसी कला के बाईपास चौराहे के पास नंदगांव रोड को जाने वाले सर्विस रोड पर दो अपाचे बाइक सवार बदमाशों ने प्रधान क्रेन सर्विस के मालिक रणवीर के पुत्र सोनू के गले से दिनदहाड़े 5 तोले की चैन तोड़कर लूट ले जाने की घटना को अंजाम दिया है। दोनों बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद जब तक पीड़ित एवं उसके परिजन कुछ समझ पाते भागने में सफल रहा। हालांकि पूरी घटना उनके मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद पीड़ित एवं परिजनों ने काफी दूर तक बाइक बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश पहुंच से बहुत दूर जा चुके थे। इस दौरान पीड़ित सोनू ने घटना की जानकारी थाना पुलिस सहित रॉयल हंड्रेड पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वही पुलिस ने घटना के बारे में पीड़ित सोनू से भी जानकारी की। पीड़ित सोनू ने पुलिस को बताया कि वह अपने भाई के साथ अपनी क्रेन में कार्य करवा रहा था, तभी दो बाइक सवार आकर रुक गए और क्रेन के बारे में पूछताछ करने लगी। इसी दौरान एक युवक चैन तोड़कर दूसरे बाइक सवार के साथ फरार हो गया। घटना को लेकर पुलिस जाँच में जुट गई है। नाम क्या आपका? मेरा नाम सोनू है। मैं अपनी प्रधान क्रेन बाईपास पे मतलब मीर मसीह में काम हो रहा था। मैं वहाँ खड़ा था मिस्त्री के पास, तो क्या हम दो बंदे आते हैं मेरी क्रेन के बारे में मेरे से पूछ रहे थे कि ये क्रेन मतलब कि किस काम की, किसकी है, क्या है। मैंने उनको बताया कि हमारी क्रेन है, उनकी इस काम में आती है। तो उसने मुझे हाथ करके मतलब गर्दन घुमा रहा था, बोल रहा है ये कौन सी है। जैसे मैंने गर्दन घुमाई चेन छीन के और सीधा भाग गई। उनका पीछा मैंने छाता तक किया, वो नहीं देखी। और कितने लोग थे? वो दो लोग थे जी। और कौन सी बाइक थी? बाइक अपाचे या पल्सर थी, जो नए मॉडल में आ रही है। तो पास में कोई सीसीटीवी कैमरा भी लग रहा था जिसमें मेरी ऑफिस पे कैमरा लग रहा था। सीसीटीवी कैमरा है मेरे पास, उसमें आ गई घटना पूरी। जी पूरी घटना आई है। और पुलिस को शिकायत कर दी? पुलिस जी मैंने 112 पे भी कॉल कर दी थी कंप्लेंट। 112 वाले आ गए थे, दो थाना पे मुझे मिले थे, उनसे कर दी और मैं थाना में यहाँ पे FIR करा दी।